दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है। हीट वेव के बीच दिल्ली में जल संकट से कोहराम मचा हुआ है। लोगों को करना पड़ रहा है टैंकर का इंतजार। पानी के लिए टैंकरों पर भीड़ किस तरह से उमड़ रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को रात से ही लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। टैंकर को लेकर कोई समय नहीं है, इसको लेकर लोगों में नाराजगी ज्यादा है। हीट वेव के बीच दिल्ली में जल संकट से कोहराम मचा हुआ है। लोगों को करना पड़ रहा है टैंकर का इंतजार। पानी के लिए टैंकरों पर भीड़ उमड़ रही है। हीट वेव को लेकर एक तरफ दिल्ली के लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ पानी को लेकर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उससे भी लोगों में नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। लोगों को टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए इस बीच नजर आ रहे हैं। और ये स्थितियां हैं, देखिए रात से ही लोग लाइन में लग जाते हैं, दोपहर तक लोग इंतजार करते हैं क्योंकि लाइन इतनी लंबी है। एक टैंकर आने पर 20-30 लोगों को पानी मिल पाता है और उसके बाद दूसरा टैंकर आने में वक्त लगता है। यहाँ पे रह नहीं है, कब से प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी? अभी तो हमारे एक हफ्ता हुआ है। हाँ। मम्मी बता सकती है, एक हफ्ते प्रॉब्लम हो रही है पानी की? हाँ, पानी की दिक्कत तो होती है। और भी कुछ लोग हैं पिछले की किस तरह से जो है, तमाम जो सुबह सुबह लोग हैं अपनी घरों की बाल्टियां और तमाम जो चीज़ें लेके हैं वो निकल रहे हैं और पानी इकट्ठा करके पूरे दिन किस तरह से गुजारा होगा उसको लेकर बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पानी की समस्या बहुत लंबी है यहाँ पे? हाँ होता है। होता है, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो गाँव से आए। गाँव से आए, कहाँ रहते थे? पानी कम आ रहा है। हाँ बहुत कम आ रहा है पानी, बहुत कम आ रहा है। हाँ किया आप लोगों ने? नहीं, शिकायत नहीं किया। नहीं की, की शिकायत? हम लोग नहीं जानता, गांव का आदमी है, नहीं जानता। तो रोज आप लोग टैंकर से गुजारा कर रहे हैं? हाँ, टैंकर से पानी भरते हैं। टैंकर से गुजारा करते हैं पानी, टैंकर से गुजारा करते हैं। 30-35 साल से इसे ही टैंकर से गुजारा करता है। हम लोग है मट्टी के पानी हमारे गली में नहीं देता है, गली में पानी नहीं देता। वही तो शिकायत नहीं किया, वही बात है। यहाँ पे मैं 30 साल से रह रहा हूँ सर, पानी से ऐसे तकलीफ हो रहा है। पानी कस्टमर ऐसे पानी के लिए कष्ट है, तकलीफ होता है। कभी 7 बजे पानी का टाइम था, सभी कभी 8 बजे टाइम आता है पानी के लिए। कह रही है कि ये जो समस्या है ये केंद्र द्वारा लाई गई समस्या, आपको लगता है कि सरकारों को अपना अपना पलड़ा भारी कर झाड़ लेना चाहिए और दूसरों पे इंतजाम लगा देना चाहिए? सही है, सही नहीं है? पानी एक जमा करता है वो तो पानी के लिए देता है, कभी टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक ऐसे कष्ट है ये पानी की, पानी के लिए तो समस्या पहले था, ठंडी में था, पहले सही आता था। ऐसे गर्मी के लिए पानी कभी आता है, हर बार गर्मी में किया था, कभी कंप्लेन जा रहा था ऑफिस में तो किया था, कुछ आ जाएगा पानी, आ जाएगा, कभी नहीं आता है पानी। कभी 8 बजे आता है, कभी टाइम नहीं। मैं आदमी सब काम से निकल जाता है 8 बजे से, टाइम है उसका कि ड्यूटी जाने का, ड्यूटी कैंसिल हो जाता है पानी के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार होने के बावजूद वो लोग कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी सरकार है और गलती उनकी है। बीजेपी सरकार है, गलती उसकी है कि पानी के लिए देता नहीं है, क्योंकि आम सरकार था पहले पानी आया था तो इसीलिए आता है पानी, ये देता नहीं है, क्या करेंगे सब। वैसे मैडम कितने बजे आता है टैंकर? आता था पहले 7 बजे आया था, अभी इस टाइम 8 बजे आता है, कभी कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। जिस दिन टैंकर नहीं आता उस दिन क्या करते हैं? उस दिन हम बहुत कष्ट करते हैं, पानी बाथरूम को लेके, बाथरूम से लेके आती है पानी। क्या करने दिक्कत है? आपको भी समस्या हो रही है पानी की? हाँ सबको हो रही है यहाँ के, सबको हो रही है। सब यहाँ करिए आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं किया है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम क्या पानी चाहिए, पानी चाहिए। हम लोग पानी चाहिए। ये तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि जो एक लंबे समय से पानी की समस्या है उससे लोग जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं एक पानी इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे टैंकर आया था और पीने के पानी का इंतजाम जो है वो टैंकर द्वारा किया जा रहा है, और अगर टैंकर नहीं आ रहा है तो लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और दिल्ली में केवल एक इलाके की बात नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। कभी पानी आया है यहाँ पर पाइप से? नहीं 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 आया बेटा, नहीं आया। कितने समय से ऐसे टैंकर आ रहा है? उन तो 20 साल से यही हो, ऐसे है। टैंकर के ऐसे आगे घर तक नहीं जा पाता है बिल्कुल। यहाँ कितना कितना दूर है यहाँ से घर आप? दूर है एकदम, बिल्कुल अंदर 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 है। स्कूल है ना, घेरा एकदम पीछे
किलोमीटर के आसपास होगा? नहीं नहीं ऐसे तो इतना नहीं है, मगर है 10 मिनट का रास्ता है। दस। और ये भारी कैन जो है ये उठाकर लेके जाने पड़ती है? हाँ, लेने जाना पड़ता है। तो उठवाओ, पैसा लेता है उठाने वाला। हमारे घर में तो कोई है भी नहीं, क्या करें बेटा, हम तो परेशान हैं। मतलब बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको पैसा देना पड़ता है इन कैन को घर तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी। कभी किससे बात हुई कि मतलब पाइपलाइन अगर डाल दी जाए तो घर तक पानी पहुंच जाएगा? नहीं, किसी ने कोई बात नहीं करी यहाँ से। नहीं है बेटा, कोई नहीं पूछते कि पाइप लगाने का है अंदर, कि बूढ़ा बूढ़ी है, उम्र वाला है, कि कोई बीमार है, ये कोई पूछते नहीं है। ये समस्या क्या सिर्फ गर्मियों में ज्यादा होती है कि सर्दियों में भी इसी प्रकार से परेशानी? ऐसे सर्दी गर्मी सब दिन ऐसे ऐसे साल परेशानी है, पर गर्मियों में हो जाता है कि खपत ज्यादा हो जाती है, पानी ज्यादा लगता है तो ज्यादा भरना पड़ता है। हाँ जी, पानी भरना पड़ता बेटा। हमारे तो घर में कोई है भी नहीं, पैसा दे के उठवाते हैं, क्या करें। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप लोग टैंकर का इंतजार करते रहे, टैंकर आ नहीं पाया, टैंकर नहीं आ पाया, टैंकर आने के बाद भी पानी नहीं भर पाए, क्या ऐसा हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ। पानी मिलता है, नंबर लगता है। हाँ। सब भर देता। मतलब पानी यहाँ पर लोगों को मिलता है, टैंकर के माध्यम से मिलता है। ऐसी कोई समस्या जैसे कि चाणक्यपुरी में हमने देखी थी, गीता कॉलोनी में हमने देखी थी कि टैंकर आता है, लोग पानी नहीं भर पाते, लोग